हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्रैकर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग में एनालॉजी। आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो यहां पर लिखा है 166 96 के साथ किस तरह से रिलेट है, उसी तरह से 153 रिलेट होगा यहां पर। तो देखेंगे अगर हम इन सभी डिजिट को ऐड कर लें उसके बावजूद भी इसके बराबर नहीं होगा, हम सब्ट्रैक्ट करें तब भी नहीं होगा, किसी नंबर का स्क्वायर करें तब भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम 16 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 16 × 6 96 आ जाएगा। इसी तरह से यहां पर 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 45 और हमारा आंसर आ जाएगा यहां पर 45। यहां पर देखते हैं 14 25 के साथ कैसे रिलेट हो रहा है, उसी तरह से 12 होगा इसके साथ। देखेंगे अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें और उसके बाद स्क्वायर करें, मतलब 1 + 4 उसका स्क्वायर, तो 1 + 4 होता है 5 और 5 का स्क्वायर 25। यहां पर यही है, इसी तरह से यहां पर 1 + 2 इसका स्क्वायर 9, तो हमारा आंसर होगा यहां पर 9। इसको देखते हैं 85 39 के साथ कैसे रिलेट हो रहा है। तो यहां पर देखते हैं अगर इसको ऐड करें तब भी 13 नहीं बन रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तब भी नहीं बन रहा है, लेकिन अगर 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तब भी 3 आ रहा है। हम क्या करें यहां पर 8 और 5 के रिलेशन में 8 + 5 तो वो मिलेगा हमें 13 और 13 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तब हमें मिलता है 39। तो यही लॉजिक हम यहां पर लगाएंगे, 5 + 8 करेंगे वो आ जाएगा हमारे पास 13 और 13 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर भी हमें 39 ही मिलेगा। तो यही हमारा आंसर होगा। यहां पर देखते हैं 97 126 के साथ कैसे रिलेट हो रहा है, उसी तरह से 83 रिलेट होगा। तो अगर हम 9 और 7 में ऐसे कर ले वो आ जाएगा 63, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 63 × 2 = 126। इसी तरह से 8 × 3 × 2 तो ये जो आएगा 8 × 3 = 24 24 = 48, हमारा आंसर हो जाएगा 48। इसी तरह से यहां पर 7 350 के साथ कैसे रिलेट हो रहा है, देखिए यहां पर एडिशन से तो काम चलेगा नहीं क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा है। अगर हम 7 का क्यूब करें वो होता है 343, उसमें 7 ही ऐड कर दें तो हमें मिलेगा 350। तो यहां पर भी हम वही करते हैं 8³ + 8 तो 8³ आ जाएगा हमारे पास 512 + 8 कर देंगे तो वो आ जाएगा 520। तो 520 हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पर देखते हैं 50 81 के 82 के साथ कैसे रिलेट हो रहा है। देखिए 50 को हम लिख सकते हैं 7² + 1, उसी तरह से 81 को हम लिख सकते हैं 9² + 1। तो यहां पर देखते हैं 10 को लिखेंगे 3² + 1। अब यहां पर क्या होगा, 7 से हम 9 में गए तो 2 का डिफरेंस मिला, मतलब 2 ऐड हुए 7 में, तो यहां से 3 में जाएंगे तो वो 5 मिलेगा, 5² + 1 तो ये आ जाएगा 5² + 1 25 + 1 26 और हमारा आंसर 26 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखते हैं अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर देखें तब भी नहीं मिलेगा, या मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम 9 और 5 को ऐड करें तब हमें मिलेगा 14 एंड 9 - 5 करें तब हमें मिलेगा 4। तो हम यहां पर भी वही कर सकते हैं 8 + 3 11 मिलेगा, 8 - 3 5 मिलेगा। तो पहले 2 डिजिट 11 बनेंगे, अगला डिजिट 5 और ये हमारा आंसर हो जाएगा 115। ये देखते हैं अगर हम 9 से 6 माइनस करें तब 3 मिलता है, नहीं मिलेगा। हम अगर 9 + 6 कर ले 6 + 9 तो वो 15 मिलेगा। सिमिलरली यहां पर 48 रिलेट हो जाएगा यहां पर 4 + 8 तो ये 12 आंसर आ जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो रीजनिंग एनालॉजी के ऊपर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।